अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाइयों, आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यूनिवर्सिटी को देखने, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। तो मैं भी गुजर रहा था और आज बड़ी प्यारी धूप निकली थी, तो अचानक से जो है मुझे याद आया कि भाइयों कमेंट आए हुए थे कि भाई वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा वीडियो अगर भाइयों को चाहिए तो फिर ज़रूर आएगी। तो मैंने कहा आज जो है भाइयों को यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग विज़िट कराते हैं। भाई धूप चेक करें, हाँ, मज़ा आ गया। आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अभी जो है भाई, आज आपका भाई एक तो पहले ट्रेन मिस कर चुका है, कर चुका था, क्योंकि अभी तो मैं आ चुका हूँ, तो कर चुका था। तो ट्रेन मेरी थी 11:03 पे और आपका भाई बिल्कुल एक मिनट लेट हुआ है। ट्रेनों का यहाँ पे अपना फिक्स टाइम है भाई, वो एक मिनट रुकेंगे, पहले आगे खड़ी हो जाएगी लेकिन आपको एक मिनट ऊपर नहीं देगी। तो वो निकल गई और फिर जो है मुझे नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना पड़ा। तो हाफ आवर का वेट था, लेकिन चलो करना था, तो वो मैंने बहाल कर लिया। और अब आपका भाई जो है वो स्टेशन से उतरा है और आज ऐसे ही दिल किया कि वॉक कर लें, तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर ली। बहरहाल कभी कभी मैं ऐसी गलतियां करता रहता हूं और जो है बाद में मुझे लगता है कि यार नहीं, बस में बैठ जाना चाहिए था। तो कभी कभी मैं सोचता हूं नहीं, चल लेना भी चाहिए। तो फिर मैं सोचता हूं कि भाई बहुत ज़्यादा पहले ही चल लेते हैं, अब और कितना चलें, यहां चल ही रहे हैं जब से आ रहे हैं, तो चलना तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसके लिए तो हमें पहले तैयार हो गया ना कि हमें बहुत ज़्यादा चलना है। तो बहरहाल चल रहे हैं हम। तो मैंने कहा जी भाइयों को आज अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवा दें, थोड़े से व्यू दिखा दें, क्या बात, ब्यूटी थोड़ी सी दिखा दें मैंने कहा भाइयों को। तो एक ज़रा हल्की सी झलक, थोड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जी, बड़ी ही धूप जो निकली हो ना, तो सात किन्नू होते, आहा, मतलब मज़ा आ जाना था, लेकिन अब भाई यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा ना। तो आपको अभी यूनिवर्सिटी भी विज़िट करवाने लगा मैं, अब आपको दिखाता हूँ अभी यूनिवर्सिटी में अपनी। यूनिवर्सिटी दिखाने से पहले आपके भाइयों को एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो भाइयों से शेयर करना बनता है। तो देखें फिर, हाँ, क्या बात, ये व्यू आप चेक करें यार, मतलब कि अनलिमिटेड ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी, कमाल, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। और इस ब्यूटी का मज़ा यहाँ पे स्टर्लिंग में, सिर्फ ये ब्यूटी जो है ना इसकी दिल पे लगती है। तो अभी बस थोड़ी सी रह गई है यूनिवर्सिटी, तो अब आपको जो है यूनिवर्सिटी विज़िट करवाएंगे भाई जी। तो भाइयों यहाँ से समझ लें अभी स्टार्ट होना है हमारा यूनिवर्सिटी। भाई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भाई, मतलब कि मैंने अभी तक पूरी किया, मैं कह रहा हूँ मैं शायद मैंने इसका भी जो है 10% भी शायद इसको ना देखा, इतनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी इस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं बस के लिए, क्योंकि कभी इनका दिल करता कि हम बहुत चलें और कभी इनका बिल्कुल दिल नहीं करता। तो फिर इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपका दिल है तो आप चलें और नहीं है तो फिर आप बस भी ले सकते हैं, तो बस सर्विस भी अवेलेबल है। ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल्स, ये भी आप ले सकते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेक्चर्स के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, तो कभी इंसान का नहीं भी दिल होता भाई चलने के लिए। और ये पीछे भी आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग, ये भी यहाँ भी मेरी क्लास होती है, बट आज मेरा लेक्चर जो है वो क्वार्टर बिल्डिंग में है, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो ये यूनिवर्सिटी समझ लें स्टार्ट हो चुकी हुई है और ये सारे ट्रैक्स आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं वेट कर रहे हैं बस स्टेशन पे। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग की बस, ये बस जो है वहाँ तक लेके जाती है, इसके लिए बस पास भी बनवाया जा सकता है और आप डे रिटर्न टिकट भी जो है वो परचेज कर सकते हैं, तो डे ट्रिप भी मिल जाती है। तो मैंने बहरहाल अभी तक जो है वो नहीं लिया, क्योंकि
इस तरह है कि मैं कभी कभी वॉक कर लेता हूँ और कभी जो है मैं बस टिकट परचेज कर लेता हूँ, सिंगल और डे ट्रिप ले लेता हूँ। तो कभी दोस्तों के साथ आना जाना हो तो फिर जो है कभी नहीं भी दिल करता भाई चलने को, तब ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको वेलकम, ये वाला वेलकम, छोटा सा वेलकम, ठीक है। और ये देख सकते हैं, मतलब कि यार व्यू ब्यूटी, आहा सब ब्यूटी चेक करें, ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये जो है वो स्विमिंग जो है एकेडमी एरिया है, वो जो सामने वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। स्विमिंग अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कोई करना चाहता है तो वो इसके लिए भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो आपको अपने जो है यूनिट एक्स पे बात कर लें तो आई थिंक सो इसके लिए कुछ पास वगैरह या कुछ बनवाने पड़ते हैं चीज़ें, तो उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन ले दूँगा। और ये अकोमोडेशन का एरो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मतलब ये सारी साइड जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन की है, स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन लेना चाहते हैं, तो कुछ मतलब कि जिससे कोई नया बच्चा आता है या नए स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ के लिए अकोमोडेशन इशूज़ होते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी कर सकते हैं। सो वो भी मुश्किल नहीं है उसके लिए, वो भी हो सकती है आपके लिए, तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी ली जा सकती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्विमिंग अकेडमी है हमारी, अभी आपको नज़र आ जाए क्योंकि सूरज है उस साइड पे, थोड़ा डार्क हो सकता है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेटर आपको दिखाया जा सके यूनिवर्सिटी का व्यू उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक और बहुत ज़्यादा प्यारी ब्यूटी आने वाली भाई, जो कि यूनिवर्सिटी का जो है वो एक वीडियो मॉडल तैयार हुआ, उसमें भी वो दिखाते हैं व्यू, तो वो भाई भी आपको अपनी वीडियो में दिखाएगा वो वाला व्यू, तो आप लोग थोड़े इंटरेस्टेड होंगे उसको देखने लिए, तो थोड़ा वेट तो होना चाहिए। चलें वेट होता ख़त्म आपको दिखा देते हैं। तो ये भाई ये वो व्यू है, आप बस ब्यूटी ऑफ वे चेक करें, मतलब के लेवल लेवल व्यू है। अमेजिंग व्यू, ठीक है। और ये एक और बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, ये भी आपको दिखा देते हैं, सेकेंड बिल्डिंग भी है, ये देखें जी, ये भी है एक बिल्डिंग। मैं अभी इधर नहीं गया क्योंकि स्विमिंग एरिया के लिए भी कुछ यहाँ पे आते हैं बच्चे स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने के लिए, आई थिंक सो उसके लिए कुछ बनाया गया ये, सो अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया, टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको तकरीबन मोस्टली जो जो कि मेन मेन जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है वो आपको दिखा दूँ जहाँ मोस्टली क्लासेस होती हैं, और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो वो जो मेन बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, वहाँ बस हम पहुँचने वाले हैं, तो वो आपको दिखाते हैं, ठीक है भाई। ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, इतना चलना पड़ रहा है, ओहो ये देखें, ये व्यू देखें आप, ये जी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। मैंने कहा भाइयों को यूनिवर्सिटी विज़िट करवा दें, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी तो दिखाई नहीं आपने, तो मैंने कहा कि आज भाइयों को यूनिवर्सिटी भी दिखा दी जाए, ठीक है। वो यहाँ से जो है ये भी साइकिल्स हैं, पर्सनल साइकिल्स हैं, आप उस पर भी आ सकते हैं, तो अगर आप मतलब स्टर्लिंग में ही रहते हैं तो आप अपनी साइकिल भी परचेज कर सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट है, किस तरह से ली जा सकती है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये साइकिल भी आप लेके आ सकते हैं, आपके लिए ईजी हो सकता है। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी आपको दिखाते हैं हम कि क्या है,
जी ये मेरी बिल्डिंग क्लास, वहाँ से भी आया जा सकता है लेकिन मैं थोड़ी बैक साइड से आया उसकी, क्योंकि मेरी क्लास इस साइड पे है। तो अब आपको दिखाते हैं जी, ये देखें जी, ये सारा लिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग में जाना है, अपने क्वार्टर में, लाइब्रेरी, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए स्टूडेंट्स हाउस बने हुए हैं, और ये आपका भाई, मैंने कहा भाई भी तो आया ना, कहाँ है, ये आपका भाई है भाई, ये रहा आपका भाई, ठीक है। ये जो है वो स्टडी एरिया, स्टूडेंट स्टडी एरिया इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। तो ऐसे मैं तो कम ही बैठा हूँ एक दो दफ़ा, क्योंकि मैं यहाँ कम ही पढ़ता हूँ, जो है सेपरेट स्टडी की जाती है मुझसे, यहाँ नहीं होती। बाकी भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये आपका सब एरिया, मतलब यहाँ से अगर आपने कुछ खाना पीना है तो वो भी मिल सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे ग्रोसरी भी है, वहाँ से आप अपने खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, मार्ट टाइप। ये भी स्टूडेंट एरिया टाइप है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, लंच वगैरह जो भी, मतलब अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और बाकी क्लासेस भी भाई आपको दिखाता है, कोई एक आधी क्लास भी दिखाता है, मोस्टली सारी सेम ही ऑडिटोरियम, तो आपको आइडिया होगा। क्लासेस का भी आपको दिखा देता हूँ वो कैसी होंगी। मैंने कहा उससे पहले भाइयों को कोऑप दिखा दूँ, जहाँ से मतलब वो चीज़ें परचेज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो ये वो जगह हैं, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है जो आपने खानी हो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये वो मशीन्स हैं जहाँ पे आप खुद अपने कार्ड से बिलिंग पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी जो है मैं आपको क्लासेस दिखाता हूँ। तो भाइयों यहाँ मेरी क्लास है, तो अभी तो मेरी क्लास नहीं है, लेकिन इस रूम में मेरी क्लास है। तो मैंने कहा मैं आपको क्लास रूम विजिट करवा दूँ। ये हमारी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे जो है हमारी क्लास होती है, यहाँ पे मेरी वर्कशॉप है, आज मेरी ग्रुप की वर्कशॉप जो है ना वो यहाँ पे होती हैं, मोस्टली इसी तरह के रूम। तो मेरी वर्कशॉप आज यहाँ है, तो मैंने कहा कि भाइयों को दिखा दूँ यूनिवर्सिटी क्लासेस, तो यहाँ मेरी वर्कशॉप होगी आज। तो कोशिश की मैंने जितनी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई जा सके, ये देखें। बाकी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें दिखाने के लिए, मतलब कि मैंने मेन आपको सारी चीज़ें दिखा इस यूनिवर्सिटी में। एंटर होने की क्लासेस इस तरह से होंगी, ऑडिटोरियम भी सेम ऐसे होंगे, वो थोड़े से बड़े हैं। तो अभी कोई ऑडिटोरियम फ्री नहीं था, क्लासेस और थी जिस वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा। तो अगर कोई फ्री होगा तो फिर वो भी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है भाई तो फिर जो है भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी नई नई वीडियोज़ का वेट करें। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, और आपके लिए जो है मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर तब तक मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।